नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा कर रख दें ये एक चीज, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप अपने घर में नवरात्रि शुरू होने से पहले छिपाकर रख देते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। अब मैं बात करूंगा उस एक चीज के बारे में जिसे अगर आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर ले आते हैं और छिपा करके रख देते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने से और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, माता रानी को माँ भगवती भी कहते हैं और जिन लोगों के मन में अपार धन कमाने की तमन्ना होती है वे सभी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को खुश करने का भरपूर प्रयास करते हैं। दोस्तों, लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं आता है, आ भी जाता है तो टिकता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा व्यर्थ ही चला जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं आपको ऐसा लगता है, या फिर आपके घर में स्थायी वास नहीं कर रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं है, या फिर लगी हुई नौकरी भी छूट गई है, या किसी भी प्रकार से धन आने की आवक रुक गई है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताए जाने वाली उस एक चीज के बारे में आपको गौर से सुनना है और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी अवश्य लिख दें ताकि हम आपको ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहें और आपको ऐसे ही उपाय बताते रहें। दोस्तों, सोने व चांदी से निर्मित वस्तुएं सीधे तौर पर देवी देवताओं से जुड़ी होती हैं। कहा जाता है कि चांदी से बनने वाली चीजें, खासकर से चांदी की मूर्ति, चांदी के जेवर, यदि आप इन्हें सिद्ध कर लें तो आपको देवी देवताओं का सीधे रूप से आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में बताएंगे जिसे लगभग हर एक व्यक्ति अपने पास ला सकता है, अपने पास रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक चांदी का सिक्का आपको लेकर के आना है जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के चित्र अंकित हो। आपको केवल ध्यान इस बात का रखना है कि उस सिक्के पर माता लक्ष्मी कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई हो और अपने हाथ से धन वर्षा कर रही हो। ऐसे सिक्के को आपको नवरात्रि से पहले ही लेकर आना है और उसे ला करके किसी भी समय, केवल दोपहर का समय छोड़ करके किसी भी समय आपको गंगा जल से एक बार स्नान कराना है। उसके बाद आपको दूध व दही के मिश्रण से आपको स्नान कराना है। उसके बाद थोड़े से शहद की बूंदें डालकर इस सिक्के को चारों तरफ से मल देना है। मल देने के बाद आपको शुद्ध जल से, जिसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य पड़ी हो, ऐसे जल से उसे स्नान कराकर यानी कि अच्छे प्रकार से साफ कर लेना है। इस प्रकार से यह सिक्का पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। अब आपको किसी भी लाल रंग के कपड़े या फिर लाल रंग के कागज में इस सिक्के को लपेटकर अपने घर में जो भी पूजा का मंदिर है, जहां पर माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति है, इसके पीछे आपको उसे छिपा करके रख देना है। और अगले दिन से यानी कि नवरात्रि शुरू होने से, नवरात्रि जब शुरू होंगे उसके पहले ही दिन से आपको माता रानी की तस्वीर या मूर्ति पर जिस प्रकार से आप हर बार पूजा करते आए हैं उसी प्रकार से पूजा करनी है। ध्यान रहे कि आपने जो सिक्का छिपाया है वो इतनी अच्छी प्रकार से छिपा होना चाहिए कि किसी को ढूंढने से भी ना मिले, किसी की नजर उस पर बिल्कुल भी ना पड़े। आपको पूरे नवरात्रि के नौ दिन तक आपको उस सिक्के को ना ही छूना है और ना ही उसे देखना है। इस प्रकार से आप पूरे नवरात्रों में 9 के 9 दिन पूजा करें, माता रानी को प्रसन्न करें, उन्हें भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, साथ ही लक्ष्मी सूत का पाठ भी अवश्य करें, या फिर जो भी आप पाठ पूजा इत्यादि करते आ रहे हैं, जो भी आपको पसंद है वह अवश्य करें। हो सके तो जितना हो सके आप उतना दान धर्म कर्म इत्यादि करें, सभी को खुश रखने का प्रयास करें। खासकर से यदि घर में कन्याएं हैं तो आप उनको विशेष रूप से प्रसन्न रखें, घर की महिलाएं खुश रहें, इस बात का आपको विशेष प्रयास करना है।
हर कोई व्यक्ति जब घर में प्रसन्न होता है तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ही जल्द बरसने लगती है। जब नवरात्र संपूर्ण हो जाए तब आपको माता रानी की तस्वीर के पीछे से या फिर उस मूर्ति के पीछे से आपको उस सिक्के को उस कागज के समेत ही बाहर निकालना है और उसमें से सिक्के को बाहर निकालकर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके माता रानी का स्मरण करते हुए उसके ऊपर से 7 बार दीपक की लौ पर 7 बार आपको उसे घुमा लेना है और माता रानी से अपने घर में सदैव उस सिक्के के रूप में विराजमान होने के लिए आपको आग्रह करना है और इस सिक्के को वापस से उसी लाल कपड़े या फिर लाल कागज में लपेटकर अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर इसे खड़ी हुई अवस्था में रखना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसे लिटा करके नहीं रखेंगे, आप इसे किसी भी चीज का सहारा लगा करके आप इसे खड़ी हुई अवस्था में रखेंगे। बस इतना मात्र उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगेंगे। धन धान्य प्राप्त करने की, सुख समृद्धि प्राप्त करने की जो भी आपके मन में अभिलाषा है, जो भी इच्छा है, वे बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, धन कमाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, नेक कार्य भी करते हैं और सभी प्रकार से वे सभी कार्य करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं जो करनी चाहिए, उसके बावजूद भी उन्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है, मनचाहा धन प्राप्त नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह उपाय बहुत ही रामबाण है। बस आप किसी भी प्रकार से नवरात्रि के दौरान कोई भी त्रुटि ना करें, कोई भी गलती ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी आपको भूल नहीं करनी चाहिए, तो हम इसके लिए भी आपको अवश्य वीडियो बनाकर दिखाएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, तो आप अवश्य ही हमें कमेंट करके बताएं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत, धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें जय माता दी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।